हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और बहुत सड़ी वाली गर्मी पड़ने भी लग गई है, तो ऐसे में हमारी स्किन को बहुत एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, बहुत हाइड्रेशन की जरूरत होती है। तो मैं आज के वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे होम मेड DIY स्किन केयर प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी जिनको मैंने अपने लिए घर पर ही बनाया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इन सारे प्रोडक्ट्स को मैंने घर पर अवेलेबल चीज़ों से ही बनाया है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हमारे घर पे अवेलेबल होती हैं उन सबका ही यूज़ किया है मैंने। मेन इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यूज़ की हैं वो है ये कोकोनट ऑयल, एसेंशियल ऑयल, वैसलीन, हमारा की इंग्रेडिएंट जो कि विटामिन ई के कैप्सूल्स, एलोवेरा जेल। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं एक लिप बाम, DIY लिप बाम। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले वैसलीन की 5 रुपए वाली डिब्बी और कोई भी कलर की लिक्विड लिपस्टिक जो आपके पास अवेलेबल है, और हमें चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल। सिर्फ एक ही कैप्सूल का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए वैसलीन। आप चाहें तो, अगर आपकी डिब्बी पूरी फुल है तो आप एक छोटे से कंटेनर में या किसी डिब्बी में कुछ क्वांटिटी निकाल सकते हैं। मेरे पास इस डिब्बी में थोड़ी सी ही थी तो मैं इसी में बना रही हूँ। उसके बाद मैंने ये लिक्विड लिपस्टिक की पिंक शेड ली है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ टिंटेड लिप बाम बना रही हूँ, थोड़ा सा कलर होगा इसमें, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। जो कलर की नेल पे आप लिपस्टिक यूज़ करेंगे उसी कलर का बनेगा ये। थोड़ी सही आपको शेड लेनी है इसमें, आपके पास जो भी छोटी डिब्बी कोई अवेलेबल होगी घर पे क्रीम की या किसी भी तरह की कोई और छोटी सी कंटेनर, तो आप उसमें वैसलीन को थोड़ा सा निकाल लीजिए। उसके बाद उसमें मिक्स कीजिए और उसमें मैंने डाला है विटामिन ई का एक कैप्सूल। विटामिन ई बहुत नरिशिंग ऑयल होता है, हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हेयर प्रोडक्ट्स और स्किन प्रोडक्ट्स जो भी आते हैं विटामिन ई मोस्टली सब में होता है। बस इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। इतनी गर्मी में वैसे भी लिपस्टिक लगाने का मन नहीं करता और ये लिप बाम बहुत अच्छा बनने वाला है। इसको हम जब यूज़ करेंगे तो हमारे लिप्स बहुत ही नरिश भी हो जाएंगे, विटामिन ई नरिशमेंट देगा लिप्स को, सॉफ्ट बनाएगा। थोड़ा सा कलर इसमें आने लगा है, अगर आपको इससे डार्क कलर चाहिए तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी और लिपस्टिक की ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, देखिए कैसा कलर आ गया है इसका, पिंक हो गया है बिल्कुल। लिप बाम थोड़ा लाइट कलर में ही होते हैं। देखिए, मैं आपको इसकी शेड दिखाती हूँ, कैसी शेड का बना है ये, देखिए हल्का सा इसमें पिंक टिंट है, आई होप आपको दिख रहा होगा, बहुत लाइट सा पिंक कलर है, ट्रांसपेरेंट नहीं है ये। चलिए मैं आपको लिप्स पर भी लगा कर दिखाती हूँ। देखिए, मैं आपको लिप्स पर लगा कर दिखा रही हूँ। आप इस डिबिया को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ये अच्छे से सेट हो जाएगा और आपको उसके बाद लगाने में भी आसानी होगी। थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे। यहाँ अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरी दूसरी लिपस्टिक की शेड, मैंने अपने लिए इस कलर का लिप बाम पहले बनाया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में शेयर करूँ। बहुत सस्ता और अच्छा लिप बाम है। देखिए, ये दो लिपस्टिक के कलर है मेरे पास, एक मैंने आपके साथ शेयर किया और एक पहले बनाया। ये है हमारा दूसरा हैक। यहाँ हम बनाने वाले हैं एक हैंड क्रीम, बहुत ही नरिशिंग और खुशबू वाली हैंड क्रीम। सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है एलोवेरा जेल। ऐसा ही कुछ खाली छोटा सा कंटेनर कोई भी आप ले लीजिए और उसमें आपको लेनी है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अगर पहले फ्रेंड्स थोड़ी सी क्वांटिटी में ही बनाकर देखिए, आई एम श्योर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, उसके बाद ही आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। एक बार थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए पहले। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है उसके अंदर कुछ एक ड्रॉप्स पैराशूट कोकोनट ऑयल की। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है या आलमंड ऑयल है, कोई भी ऑयल है
तो आप थोड़ा सा वो ऐड कर दीजिए, मेरे पास सिर्फ यही अवेलेबल था। इसके बाद मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ हवाना मैंगो जेल, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये एक मॉइस्चराइजिंग फेस जेल है, मैं यहाँ पे भी खुशबू के लिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है तो मैं खुशबू के लिए थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग जेल है फॉर समर, फॉर ऑल स्किन टाइप्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसके अंदर विटामिन ई का एक कैप्सूल। ये वाली हैंड क्रीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। वैसे भी इन दिनों में बार बार हम जब हैंड वॉश करते हैं तो हैंड वॉश से और सैनिटाइज करने से हमारे हैंड्स थोड़े ज़्यादा ही सॉफ्टनेस कम हो रही है हाथों की, और हाथ रुखे रुखे भी हो जाते हैं, तो ये क्रीम ज़रूर आपकी हेल्प करेगी। इसके बाद ये मैंने कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की ऐड की हैं। अगर आपके पास कोई और एसेंशियल ऑयल है तो आप ज़रूर उसको 5-7 बूंदें ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करना है। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके आप इस कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। देखिए इतनी क्रीम ही 10 से 15 दिन तक चल जाएगी, दिन में नहीं तो कम से कम रात को सोने से पहले तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए अपने हैंड्स पर। वैसे मैं तो रेकमेंड करूँगी आप जब भी अपने हैंड्स वॉश करें तो ये क्रीम ज़रूर अप्लाई करें। घर पर अवेलेबल चीज़ों से ही ये क्रीम बनाई है मैंने, कुछ भी बाहर से नहीं लिया है। देखिए मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको अपने हैंड पर। कोई भी क्रीम जैसे अप्लाई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इस क्रीम को भी अप्लाई करना है। अच्छी तरह हाथों के दोनों तरफ फिंगर्स के बीच में, बिल्कुल की चिपचिपी नहीं बनेगी ये। ऑयल हमने बहुत कम क्वांटिटी में ही ऐड किया है तो चिपचिप नहीं करेगी। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट हैक। ये हम एक फेस मिस्ट या टोनर बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो इंग्रेडिएंट लिया है वो है प्लेन वाटर। ये यहाँ पर मैंने बॉइल्ड वाटर लिया है, इसको मैंने उबाल कर ठंडा किया हुआ है। उसके अंदर मैंने मिक्स किया है ये एक चम्मच एलोवेरा जेल, वाओ का एलोवेरा जेल है मेरे पास। अगर आपके पास किसी और ब्रांड का है तो एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इसके अंदर 6-7 बूंदे लेवेंडर ऑयल की, एसेंशियल ऑयल की ऐड की हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो वाला ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें डाबर का गुलाबारी रोज़ वाटर, इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रोज़ की फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है तो आप थोड़ा सा और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हमारा की इंग्रेडिएंट विटामिन ई के 2 कैप्सूल मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ। ये क्वांटिटी लगभग 100 ml की होगी वाटर की, तो इसके अंदर मैंने 2 कैप्सूल ऐड किए हैं। ये बहुत ही एक नरिशमेंट वाला टोनर बनेगा क्योंकि इसके अंदर रोज़ वाटर है जो हाइड्रेट करेगा, लेवेंडर ऑयल है जो नरिश करेगा, कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेवेंडर ऑयल में, और विटामिन ई ये भी नरिशमेंट के लिए ही होता है तो हमारे फेस को नरिश भी करेगा। उसके बाद अच्छे से इन सब इंग्रेडिएंट्स को पानी में मिक्स करना है और एक स्प्रे बॉटल में आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। स्प्रे बॉटल में अगर ये रहता है तो अप्लाई करने में आसानी होती है, अदरवाइज़ किसी और बॉटल में अगर आप इसको स्टोर करते हैं तो आप कॉटन से भी इसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गिर गया था मुझसे ट्रांसफ़र करते वक्त। देखिए ये 100 ml की बॉटल है, मैंने इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र किया हुआ है और मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही कूलिंग देने वाला मिस्ट बनाए ये, तो सुबह और शाम एटलीस्ट 2 times तो इसको यूज़ करना ही चाहिए फेस पर। बाज़ार में तो टोनर्स काफ़ी महंगे हैं। ये हमारा लिप बाम सेट हो गया है, मैंने उस फर्स्ट हैक में आपको दिखाया था, मैंने आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखा था, अभी बिल्कुल सेट हो गया है। देखिए बिल्कुल डिब्बी की
बॉटम में सेट हो गया है। मैं आपको फिर से एक बार लगा कर दिखा रही हूँ इसकी शाइन। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसा लगा आपको आज का वीडियो। ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।